हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उपासना एंड आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मेरी आज की जो वीडियो होने वाली है वो है डीआईवाई से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड प्लीज कमेंट करना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी फैमिली में कौन कौन से लोग ऐड हुए हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप डीआईवाई करते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखें। और मैं ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं दो पार्ट में बनाऊं। स्किन केयर से रिलेटेड डीआईवाई करते हो या कोई फेस पैक जो है आप डीआईवाई वाला ही यूज करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरी कोई वीडियो देखते हो या किसी और यूट्यूबर की कोई डीआईवाई की वीडियो देखते हो तो आपके माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया है या इसकी जगह पे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो मैं आज वही आपको बताऊंगी इस वीडियो में डिटेल में कि हम अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो इसकी जगह पे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या वो प्रोडक्ट नहीं है तो इसकी जगह पे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या डीआईवाई के लिए जो बेसिक सामान होता है वो क्या क्या चीजें होती है जिससे आप एक रेडी कर लो किट जिससे आप कोई भी टाइप का डीआईवाई कर सको। तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ कि डीआईवाई के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको पिक्स के थ्रू ही बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले और आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, कौन सा प्रोडक्ट आप रिप्लेस करके कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी और मैं आपको ये वीडियो में भी दो पार्ट में बताऊं क्योंकि एक पार्ट काफी लंबी हो जाएगी तो लोग देखना भी नहीं पसंद करते हो, तो इस वजह से मैं इसे दो पार्ट में बनाऊंगी। तो आप इसे अच्छे से देखो और आप समझ जाओ तो ताकि आपको फिर कभी कोई भी मटेरियल को लेकर या कोई भी चीज को लेकर के कंफ्यूजन ना हो कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट होता है जिससे हमारी स्किन को क्या असर पड़ता है, या कौन सा प्रोडक्ट जो है जो ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, जो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजों का मैं बताऊंगी और आपके पिंपल्स के लिए कौन से प्रोडक्ट हानिकारक है। जो भी आयुर्वेदिक चीज भी होते हैं तो कभी कभी वो आपके पिंपल को और इनहेंस कर देते हैं, क्योंकि मुझे पिंपल के इश्यूज नहीं है बट मैं कभी कभी एलोवेरा जेल यूज करती हूँ तो मुझे पिंपल आ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा अगर मॉइस्चर यूज करती हूँ तो मुझे आ जाते हैं पिंपल, उतने बड़े नहीं आते, छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं बट आते हैं। तो मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगी इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। सो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं, कुछ हिंदी के वर्ड्स लिए हैं। जैसे एम फॉर मेथी, हम मेथी बोलते हैं तो उसको हिंदी में मैंने फेनिग्रिक एफ फॉर नहीं लिया है, या एच फॉर हिना मैंने नहीं लिया है। तो आप पूरी फुल वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं सो हमें उस वर्ड से ही समझ में आते हैं। तो इस वजह से मैंने कुछ वैसे हिंदी वर्ड्स ही पिकअप किए हैं एंड इसका एक पार्ट टू भी मैं बनाऊंगी जिसमें आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगी। सो आप इस वीडियो को देख करके आप फुल समझ सकते हो कि डीआईवाई के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हमें लगेंगे, या आप लोगों को इसके सिवा और भी कुछ वर्ड्स पता है जो डीआईवाई के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो ताकि जब मैं पार्ट टू बनाऊं तो मुझे और इजी पड़े। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट करना। और कुछ कुछ लेटर्स मैंने छोड़ दिए हैं तो आप प्लीज वीडियो देख करके आप मुझे कमेंट करना कि मैंने कौन कौन सा लेटर छोड़ा हुआ है और उससे कौन सा वर्ड होगा जो हम यूज कर सकते हैं डीआईवाई में। और मैंने यहाँ पे वही सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं जो हमारे स्किन के लिए या फिर बालों के डीआईवाई के लिए काम आते हैं। सो मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है वो सारे प्रोडक्ट हमें काम आते हैं डीआईवाई में।
सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।